अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कह रहे होंगे। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर का आज का पूरा कैसा माहौल रहेगा, क्या नज़ारा रहेगा और किस तरह कवाली की महफिल का प्रोग्राम रहेगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना। और कैसा पूरा माहौल रहेगा दरगाह के अंदर का, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और चैनल पर हमारे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो को आगे से जरूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कैमरा घुमाते हैं, पूरा कैसा मंजर है दरगाह के अंदर का आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, ये मौजूद हूँ मैं दरगाह के अंदर और आज दरगाह के अंदर का आज का माहौल है, क्या नज़ारा है, क्या ज़हरीनों की भीड़ है, तो खूबसूरत कैसा मंजर रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहे। और माशाल्लाह भी मौजूद हूँ मैं आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ, पाइटी गेट की तरफ। और माशाल्लाह भी देख सकते हैं किस तरह ज़हीनों की भीड़ आपको जो है आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ नज़र आ रही है अभी ज़हीनों की भीड़। और माशाल्लाह भी कवाली का प्रोग्राम भी हो रहा है, तो माशाल्लाह कवाली का क्या प्रोग्राम चल रहा है और किस तरह ज़हीन बैठ के कवाली की महफिल में जो है कवाली सुनते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। कवाली की महफिल दोस्तों आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ हो रही है अभी। और ज़हरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तादाद में यहाँ पर कवाली की महफिल में बैठ के जो है कवाली सुनते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो माशाल्लाह इस तरह से रोज़ाना खूबसूरत मंजर रहता है आस्थाने के 2 नंबर गेट की तरफ। और माशाल्लाह ऐसे ही ज़हरीन बैठ के कवाली की महफिल में जो है कवाली सुनते हैं। तो दोस्तों ये पूरा कैसा मंजर है दरगाह के अंदर का आप देखते रहें। माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ कवाली की महफिल की तरफ से होते हुए डायरेक्ट साजनी मस्जिद के अंदर। और साजनी मस्जिद का ये खूबसूरत मंजर है जो भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह ज़हीनों की, यहाँ भी आपको भीड़ जो है नज़र ही होगी। और माशाल्लाह जैसे कि अभी आप देख ही सकते हैं साजनी मस्जिद का बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है और काफ़ी ज़हीनों की भीड़ है। तो ये पूरा नज़ारा था साजनी मस्जिद का जो मैंने आपको भी दिखाया दोस्तों। तो अभी चलेंगे अपन जन्नई दरवाजे की तरफ और जन्नई दरवाजे की तरफ कैसा मंज़र रहता है, किस तरह ज़हीनों की भीड़ देखने को मिलती है, तो चलते अब जन्नई दरवाजे की तरफ, वहाँ कैसा मंज़र होता है वो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ जन्नई दरवाजे की तरफ और जन्नई दरवाजे की तरफ का ये खूबसूरत मंज़र है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। और माशाल्लाह देख सकते हैं जन्नई दरवाजे की तरफ ज़ाहिरीन मेहमान जो है वो अपने दुआएं मांग रहे और अपनी अकीदत के मन्नत के लाल लगे भी बांधते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। Thank you.
माशाल्लाह दोस्तों, जैसे कि आपने जन्नत दरवाजे की तरह कैसा मंजर था आपने देख लिया, किस तरह जरीन जो है वहाँ पर दुआएं मांगते हैं और अपने इज्जत के मन्नत के लाल लगे बांधते हैं। तो दोस्तों जन्नत दरवाजे की तरह कैसा मंजर था मैंने आपको दिखा दिया, और ये साजनी मस्जिद का ही मंजर था जैसे कि अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह जरीनों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। तो ये पूरा मंजर था साजनी मस्जिद की तरफ का, और जन्नत दरवाजे की तरह कैसा माहौल नज़ारा था वो भी मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तभी चलेंगे अपन आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ और वहाँ कैसा मंजर होता है और किस तरह जरीन की ज़ियारत के लिए भीड़ देखने को मिलती है, तो चलते और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, भी मैं आ गया हूँ आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ, और आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ का खूबसूरत मंजर है जो भी आप देख रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ भी आपको ज़ायरीन मेहमानों की भीड़ जो है नज़र आ रही होगी। तो ये आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ कैसा मंजर है वो आप देखें। दोस्तों आस्थाने के एक नंबर गेट की तरह कैसा मंजर था मैंने आपको भी दिखा दिया हूँ। तभी चल रहे अपन आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ, कदम उसी जो गेट है आस्थाने का दो नंबर गेट वहाँ की तरफ चलेंगे। वहाँ पर भी जो कवाली का प्रोग्राम चल रहा है वहाँ भी थोड़ा रुकेंगे और कवाली का प्रोग्राम कैसा चलता है वो आपको दिखाते हैं, और किस तरह कवाली की महफिल में ज़ायरीन मेहमानों की भीड़ बढ़ती जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते अब सीधा आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ। माशाल्लाह दोस्तों, आपने खूबसूरत कैसा मंजर था दरगाह के अंदर का वो मैंने आपको दिखा दिया, और आपने देख लिया होगा माशाल्लाह किस तरह की कवाली की महफिल थी, और काफ़ी खूबसूरत कवाली की महफिल में ज़ायरीन मेहमानों की भीड़ भी थी,
और कैसा आज का पूरा माहौल था दरगाह के अंदर का, और माशाल्लाह क्या ज़ायरीनों की ज़ियारत के लिए भीड़ थी वो भी मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तो पूरा कैसा माहौल था दरगाह के अंदर का वो आपने देख ही लिया दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर हमारे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपको इसी के साथ एक और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।